फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स लाइफ। आज हम बात करेंगे उन सारे बिगिनर्स के लिए जो प्लांट लवर्स हैं। बहुत शौक से नर्सरी से प्लांट्स उठा के लाते हैं, पर वो सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं। देखिए, प्लांट्स को रखना, प्लांट्स को समझना जैसे छोटे बच्चों को पालना, जैसे छोटे बच्चों को समझना, बिकॉज उनका क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या है, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस से ही आता है। तो आपको आज मैं इस ट्यूटोरियल में क्लियरली दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या चीजों को आप ध्यान में रखना है, कैसे रिपोर्ट करना है। और दूसरी बात आती है प्लांटर्स की। आजकल बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्लांटर्स मार्केट में अवेलेबल है। हम लोग खरीदना भी चाहते हैं, लेकिन कई बार हम रेंटल अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ट्रांसफर्स की वजह से इन लोगों को कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम एक ऐसा क्यों ना करें कि जो हमारे घर में है, हमको आसानी से मिल सकता है, उन्हीं चीजों से हम DIY करके बहुत सुंदर सुंदर प्लांटर्स बना सकते हैं। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम रैपर जो भी लगा होता है उसको कैंची से काट लेते हैं। अगर ये आरा आसा जाए तो आसानी से निकल गया, अगर आसानी से नहीं निकलता है तो थोड़ी देर पानी में भिगा लीजिए, आराम से निकल जाएगा। अभी हम इसको स्प्रे पेंट करने ले जाएंगे। तो जब भी आप करना स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले एक न्यूज़पेपर बिछा लीजिए ताकि आपका फर्श या वो गंदा ना हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देख लीजिएगा कि ये कंटेनर एकदम सूखा हो। देखिए, कितना मर्जी आप ट्राई करेंगे ब्रश और पेंट से इतना नीटनेस नहीं आएगा, और ये सूखने में भी बस सिर्फ 5 या 10 मिनट लेता है। देखिए, अभी फ्रेंड्स देखिए 5-10 मिनट के बाद मैं आके दोबारा सेकेंड कोट कर रही हूँ। सेकेंड कोट इसलिए करना जरूरी है कि ये कलर लॉन्ग लास्टिंग होता है और फिनिश भी बहुत अच्छा रहता है। चलिए, अब फिर से सूख गया। मैंने सोचा इस कंटेनर से मैं 2 प्लांटर्स बनाऊंगी क्योंकि मैं अपने सिस्टर के पास से 2 प्लांट्स लेके आई हूँ। इसी डिब्बे में रख के लाया था मैंने। तो देखिए, थोड़ा सा गर्म चाकू से या कटर से थोड़ा सा कट लगा के फिर आप कैंची से आराम से कर सकते हैं। देखिए, कट गया, निकल गए आपके 2 प्लांटर्स के लिए। अभी मैं 2 स्क्रू ड्राइवर्स रख लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। ये पुराने स्क्रू ड्राइवर्स पड़े थे तो मैं इनको होल्स लगाने के लिए रख लिया। देखिए, ड्रेन होल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है सो दैट आपका पौधा ना सड़ेगा नहीं। देखिए, दोनों में मैंने 5 ऐसे 6 होल्स लगा लिए। अब ये मिट्टी के घड़े जहां पे मिलते हैं ना, वो आप पूछेंगे तो बहुत सस्ते में दे देंगे टूटे हुए गमलों को। ओ, अभी मिट्टी हम ले लेते हैं। मिट्टी 2 भाग, रेत 1 भाग और कोकोपीट 1 भाग। देखिए, मैंने पहले एक मिट्टी ले लिया, अभी सैंड ले लिया, अभी फिर से मिट्टी ले लिया। बहुत धूल मिट्टी उड़ता है फ्रेंड्स, आप मास्क लगा लीजिएगा, दैट इज बेटर। अभी मैं थोड़ा सा कॉम्पोस्ट डाल रही हूँ, 2 मुट्ठी। मैं अमरूद के पत्तों का डिकॉशन पीती हूँ तो उसको फेंकती नहीं, ऐसे साइड में रख देती हूँ तो सूख जाते हैं ना, वो खाद के जैसा इस्तेमाल हो जाता है। ये है थोड़ा सा राख, लकड़ी का राख, ये अच्छा पेस्टिसाइड होता है कि आपके कीड़े वगैरह नहीं लगते। देखिए, अच्छी तरह मिला लिया, थोड़ा सा और थोड़ा सा कॉम्पोस्ट डालने का दिल किया तो मैंने और थोड़ा सा ले लिया। अच्छे से मिट्टी मिक्स कर लिया। आप हमेशा मिट्टी का काम करने के टाइम ग्लव्स डाल लीजिए, एक परत पूरी आप बिछा लीजिए वो गमले के टुकड़ों से, सो दैट आपका मिट्टी ना बह नहीं जाएगा जब आप वाटरिंग करते हो तो। देखिए, अब मैंने बोला ना कोकोपीट भी 1 भाग डालना है, तो कोकोपीट के ब्रिक्स ना बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए आधा जग पानी में उसको भिगा के रखा था। देखिए, ऐसे पाउडर सा बन जाता है।
गीला होके बहुत जल्दी उसको पाउडर जैसा बन जाता है। तो देखिए एक भाग ये ले लिया, इसको भी अच्छे से मिट्टी में मिला लीजिए। थोड़ा सा ये इसमें टाइम लगता है दोस्तों, आराम से मिला लीजिए। देखिए तैयार हो गया। आप नीचे घड़े के टुकड़ों के ऊपर थोड़ा सा बजरी या छोटे छोटे कंकर कुछ भी डाल सकते हैं। वैसे एक छोटा सा लेयर, 1 इंच लेयर डालने के बाद अब आप डालेंगे मिट्टी। देखिए हम जब नर्सरी से पौधे लाते हैं तो वो पॉलिथिन्स में रहते हैं, तो आप ना ये पॉलिथिन काट के वो मिट्टी के साथ ही रख दीजिए। मैं तो वो मेरे सिस्टर के पास से लाया था गमले से तो उठा के, तो इसलिए मिट्टी नहीं लगी है। अगर आप नर्सरी से ला रहे हो तो पॉलिथिन काट के जड़ समेत रख दीजिए। अगर जड़ बहुत ज्यादा है तो ही आप डिस्टर्ब करना, अदरवाइज उनको ऐसे रख दीजिए। देखिए अच्छे से मिट्टी डाल के, मिट्टी लूज होती है इसलिए आप अच्छे से दबा के रखिए उसको, सो देट वो हिलेगा नहीं, अच्छे से जड़ पकड़ लेगा। जब भी आप पौधे को ऐसे रिपोर्ट करते हैं दोस्तों, उसको छांव में रखिएगा, इमीडिएटली धूप में मत रखिए। 1-2 दिन छांव में रख दीजिए, आपको खुद समझ में आएगा वो फ्रेश लगने लगता है, तो आप जब सेमी शेड में रख सकते हैं। वैसे इंडोर प्लांट्स के लिए ज्यादा धूप की जरूरत नहीं है, इनको शेड में ही रखना चाहिए। देखिए अच्छे से दबा दिया। वो कोकोपीट डालने की वजह से मिट्टी में अच्छी खासी नमी है, इसलिए मैं अभी पानी नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी देर के बाद डालूंगी। चलिए हमने दूसरे पौधे को भी रख लिया। मिट्टी हमेशा दबा के रखने की कोशिश कीजिए। वैसे प्लांट्स तो बहुत लोगों को रखने का शौक होता है, लेकिन ये सब थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और इतना कुछ करने के बावजूद भी मरते हैं ऐसे करके, वो लोग डरते हैं, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप आराम से कीजिए, 1-2 बार में आपको समझ में आ जाएगा कि इनके साथ कैसे आप डील करना है। बस हो गया, अच्छे से मिट्टी दबा के रख दीजिए। अभी तो मैं कॉम्पोस्ट वगैरह डाला है दोस्तों, तो आपको फर्टिलाइजर्स डालने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दिया आगे कि थोड़ा सा एनपीके या डीएपी उसको ना थोड़ा सा, थोड़े से दाने डाल सकते हैं, वो भी 1-1.5 मंथ के बाद। अभी तो फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। देखिए मैंने बोला ना, तो मैं इमीडिएटली आपको दिखाने के लिए डाला है, बस इतने से, ज्यादा नहीं, वो भी 1-1.5 मंथ के बाद में आपको डालना है। बस देखिए अभी थोड़ी देर हो गई है तो मैं वाटर डाल रही हूँ। देखिए आप खुद देख लीजिए, वाटर ना ऐसे वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो जरूर कमेंट करके बताइए, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, दिस इज ममता सेइंग बाय बाय।